अत्यल्प सूर्यप्रकाश असतानाही 60% ऊर्जेची गरज सौर ऊर्जेतून भागवतोय. भारतात मुबलक सूर्यप्रकाश असताना देखील त्याचा वापर केला जात नाहीये, असा सूर रिन्युएबल एनर्जी विषयावरील चर्चासत्रात साधण्यात आला. शहरात महाराष्ट्र ऍडव्हान्टेज एक्सपो 2017 आज पार पडलेल्या कार्यक्रमात ऊर्जा या विषयावर चर्चासत्राचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी विविध उद्योग समूहाच्या संचालकांनी ऊर्जा बचत आणि सौर ऊर्जेचा वापर तसंच त्याचा प्रचार प्रसार कशा योग्य प्रकारे वापर करून व्यवसाय आणि वृद्धी करता येईल या विषयावर सविस्तर मार्गदर्शन केलं, ज्यामध्ये ग्लोबल एनर्जीचे इंद्रजित सेन यांनी जपान या देशात वर्षातील 240 दिवस सूर्यप्रकाश नसतो, केवळ 40 ते 60 दिवसच सूर्यप्रकाश असतो, असं असलं तरीही जपान त्या 60 दिवसांमध्ये सौर ऊर्जेद्वारे इतकी ऊर्जा निर्मिती करतो की ही सौर ऊर्जा देशाला वार्षिक लागणाऱ्या एकूण ऊर्जेच्या 60% ऊर्जेची पूर्तता करते. तर दुसरीकडे भारतात वर्षभर मुबलक सूर्यप्रकाश असताना सुद्धा देशात लागणाऱ्या ऊर्जेच्या केवळ 10% ऊर्जा सौर ऊर्जेद्वारे पुनर्वापर होतो. त्यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जेचा वापर करून उद्योगात उत्पादन करून आणि खर्च कमी करून विकास साधावा असं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. इंद्रजित सेन, आर पांडे, नितीन काबरा, रॉयल चौधरी, विवेक काबरा, अमित भारंभे, प्रसाद कोकिळ आदींची यावेळी उपस्थिती होती. या मान्यवरांनी ऊर्जेविषयी उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं. लुकिंग एट इन अ टॉप टू बॉटम पर्सपेक्टिव, दैट इज फादर बोलेगा फिर मदर सुनेंगी और फिर बाद में बच्चे को मान पड़ेगा, उससे अच्छा क्यों ना बच्चे से शुरुआत करते हैं. मल्टीनेशनल कंपनी बच्चों पर फोकस करती है ना एडवर्टाइजिंग में, तो उस तरीके से हम लोगों ने बच्चों के साथ एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया जिसमें बच्चों को सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ाया जाता था और उसके बाद में अपने हाथ से एक कार्डबोर्ड की पीस से वो सोलर कुकर बना देते थे और सोलर कुकर बनाने के बाद में खुद अपने हाथों से उसमें कुकिंग कर देते थे. तो इमेजिन करिए कि 8-10 साल का बच्चा है जालना जैसे एकदम छोटे से शहर में और उसने कार्डबोर्ड से अपने जिंदगी में पहली बार सोलर कुकर देखा, बनाया और खुद के हाथ से कुकिंग की. मतलब सोलर कुकर बनाना अलग चीज, बट इतनी कम उम्र में खुद के हाथ से सोलर कुकिंग करना ये अपने आप में बड़ी चीज थी. Renewable energy, solar, windmill, these are extremely important. While it is only 23% in India right now, and we have to make it much, much more in the near future. Otherwise, the carbon dioxide emissions will be much more there, and we will be having a difficult time in next 2040. So if you look at the future, हमारे पास आज के डेट पे जो है carbon dioxide emission has to be reduced. That is the point number one. Number two, more digitization. And number three, more decentralization. जो आपको fossil fuel से लेके आपको renewable energy तक लेकर